नमस्कार दर्शकों, बीसीआर न्यूज में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज हम मौजूद हैं बहुत ही अजीबोगरीब नाम वाली फिल्म फटी पड़ी है यार, जो बहुत जल्द रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म का जैसा नाम है वैसी ही ये फिल्म है। तो आइए आज आपकी मुलाकात कराते हैं फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे अभिनेता इंद्र कुमार से। हम आज मौजूद हैं यहाँ दिल्ली के फिल्म डिविजन ऑडिटोरियम में और यहाँ पर चल रहा है एक फिल्म का प्रेस शो। फिल्म का नाम है फटी पड़ी है यार, और जिसका हमें था इंतजार उनसे हमारी हो रही है मुलाकात। आपको भी रूबरू कराते हैं इस फिल्म के हीरो से। इंद्र कुमार जी हमारे साथ में हैं। इंद्र कुमार जी, बीसीआर न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। फिल्म का नाम है फटी पड़ी है यार, और जिस तरह से फिल्म का एक सेंस हमें आ रहा है कि ये बहुत अच्छी कॉमेडी है, तो उसमें आप किस तरह से किरदार को निभा रहे हैं? सर, फटी पड़ी है यार डेफिनेटली जो जब आप सुनते हैं तो आपको लगता है कि कॉमेडी फिल्म है। जी हाँ, कॉमेडी फिल्म है, मगर एक हद तक एक कॉमेडी फिल्म है, मगर इसके अंदर आप अगर देखेंगे तो इसमें बहुत सारे मैसेजेस हमने देने की कोशिश किए हैं। हमने जैसे कि मैसेज देने की कोशिश किया कि जब बच्चे बॉलीवुड में आते हैं हीरो हीरोइन बनने के लिए, तो आके वो सब कुछ छोड़ देते हैं, मतलब कि मेहनत करना छोड़ देते हैं और मतलब गलत कामों में लग जाते हैं, मतलब लिटरली बोला जाए तो अय्याशी में लग जाते हैं, और वो भटक जाते हैं और भटक के एक ऐसे मुकाम में पहुंच जाते हैं जहां पर वो बर्बाद हो जाते हैं और अपने परिवार को भी बर्बाद कर देते हैं। हमने ये मैसेज दिया है, कि अनसेफ सेक्स करना कितना न्यू जनरेशन को कितना गलत है। अनसेफ सेक्स करना किसी भी हालत में, नशे में हो या किसी भी हालत में हो, किसी भी दबाव में हो, अनसेफ सेक्स करना कितना बुरा होता है। और हमने ये मैसेज दिया है कि खुदकुशी करना कितनी बुरी चीज़ है। भगवान ने हमें बनाया है एक अच्छे इंसान के रूप में बनाया है, हमें मेहनत करनी चाहिए, हमें ट्राई करना चाहिए, हमें थकना नहीं चाहिए, हमें मजबूर होकर खुदकुशी का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि मैं एक छोटी सी फिल्म के अंदर कितने बड़े बड़े मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। और फटी पड़ी यार फुल इंटरटेनिंग फिल्म है, और साथ में ही एक बहुत ही समझदार और एक किसको बोलते हैं कि लर्निंग लेसन्स एक फिल्म के अंदर, एक साथ इतना सब कुछ कॉमेडी और एक सो मेनी लेसन्स इन अ फिल्म, जो कि आज तक मैं तो समझता हूँ कि किसी फिल्म में नहीं आया हूँ। हम पूछना चाहते हैं कि फिल्म फटी पड़ी है यार में है इंद्र कुमार एक हीरो, लेकिन उनके साथ में जिस तरह की घटनाएं घट रही है, और ये जानने की इच्छा हो रही है कि आखिर कौन है दोषी जिसने ऐसी हालत कर दी कि फटी पड़ी है यार कहने को होना पड़ा मजबूर। मैंने खुद नहीं की है ये सब कुछ, मेरा ही किया धरा है। मैं बॉम्बे में हीरो बनने आता हूँ और किस तरीके से मैं अपने आप को बर्बाद करता हूँ, और मेरे ही तौर पे सब कुछ दिखाया गया है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सब कुछ गलत कर रहा हूँ और मैंने गलत किया है, और आज मैं उस मुकाम पे पहुँच गया हूँ कि मेरी फट गई है। जिस तरह से हम बोलते हैं ना, आम भाषा में बोलते हैं कि भाई मेरी फट गई है यार, मेरी फटी पड़ी है यार, मैं क्या करूं, तो वो मेरी फटी पड़ी है और मैं उस मुकाम में पहुंच गया हूं कि जहां पे मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तो ये टाइटल जो है, जो कि एक बहुत ही मजाकिया लगता है मगर एक रियल टाइटल है। आप जब आम जिंदगी में हम आम बात करते हैं तो हम ऐसे ही करते हैं यार, मेरी फट गई यार, मेरी फटी पड़ी है यार, मैं क्या करूँ यार, तो इसी तरीके से बात करते हैं। बीसीआर न्यूज के दर्शकों को याद होगा कि फिल्म आई थी मासूम, उस फिल्म में जिस तरह से हमारे इंद्र कुमार जी ने काम किया था, पहचान बनाई थी जिनको सभी बॉलीवुड के दर्शक चाहते हैं, उन्होंने एक मासूम फिल्म की थी और उस मासूम फिल्म से काफी सराहना मिली थी। मासूम से फट गई है यार इस तक का जो सफर रहा, उसमें किस किस तरह के उतार चढ़ाव देखे, हम जानना चाहते हैं बॉलीवुड का जो कैरियर इंद्र कुमार जी ने तय किया है वो कैसा रहा है और किस किस तरह की खास यादें उनसे जुड़ी हुई। जी, मासूम मेरी पहली फिल्म थी, उसके बाद खिलाड़ियों खिलाड़ी थी। अगर आप देखेंगे तो खिलाड़ियों खिलाड़ी में मेरा इंट्रोड्यूसिंग आता है इंद्र कुमार, और मासूम पहले रिलीज़ हुई थी, और खिलाड़ियों खिलाड़ी एक ही महीने में दोनों फिल्में रिलीज़ हुई थी। और उसके बाद मेरे पास बहुत फिल्में थी सर, मैं दोनों फिल्में मेरी सुपर हिट हो गई थी और भगवान का दिया हुआ सब कुछ, मतलब मैं अचानक से इतना बड़ा हीरो बन गया था। मगर एक साल के दरमियान के अंदर ही मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं हेलीकॉप्टर से गिर गया और मेरी 100 फीट से कुछ मैं गिरा था और मेरी टांग टूट गई, मेरी कमर टूट गई, मतलब
बहुत बुरा हाल हुआ मुझे, मतलब मैं कुछ काम नहीं कर सका और 2 साल बिस्तर पे था। जितनी भी फिल्में साइन की थी सब फिल्में चली गई थी और सब कुछ चला गया था, और एक तरह से मैं ऐसे ऐसे दो राह पे खड़ा था कि जिंदा भी हूँ मगर जिंदा नहीं हूँ। और उस वक्त में मुझे सलमान भाई का साथ मिला और सलमान भाई ने मेरी मदद की और किस तरीके से मुझे दोबारा खड़ा किया उन्होंने, और फिर हमने तुमको ना भूल पाएंगे, कहीं प्यार ना हो जाए, और लास्ट में वांटेड अभी जो देखी आपने, तो मेरी जो रही ज़िंदगी बहुत अच्छी रही। आगे की मैंने माधुरी जी के साथ काम किया गजगामी में, जिसके डायरेक्टर अनुप हुसैन थे। मैंने बड़ी बड़ी फिल्में की, बट क्या हुआ कि इन बड़ी फिल्मों में से ना चलना एक एक्टर के लिए बहुत बुरा होता है। जब फिल्म चलती है तभी एक्टर के सहारना होती है, जिस तरह से मेरी मासूम और खिलाड़ी खिलाड़ी में हुई थी। तो आज मुझे मालूम है कि ये मेरी फटी पड़ी जो फिल्म है, जो इतने 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 अरसे के बाद मेरे पास एक ऐसी फिल्म आई है जिसको एक इंसान जिसका नाम प्रेम गिरधानी है, जो डायरेक्टर है इस फिल्म के और राइटर है इस फिल्म के, उन्होंने मुझे एक ऐसी मोड पे फिल्म दी थी जब मेरे पास कुछ नहीं था और मैं बहुत ही मायूस था अपने आप से, और उन्होंने मुझ पर इतना विश्वास किया कि नहीं, ये किरदार आप ही प्ले कर सकते हो। और हमने किसी इतनी मुसीबतों के साथ, मतलब कि हमारे पास पैसे नहीं थे फिल्म बनाने के लिए, हमारे पास कुछ नहीं था, मगर हमने हिम्मत जुटाई और हमने एक ऐसी फिल्म बनाई जो कि आप देखेंगे आने वाले वक्त में आपकी अपनी आप में एक मिसाल बनेगी, एंड इट विल शो एवरीवन कि इंदर कुमार इज रॉकिंग एंड इंदर कुमार इज बैक। इंद्र कुमार जी, जिस तरह से आपने अपना फिल्मी करियर शुरू किया था और एक स्टारडम को पाया था, बहुत अच्छा वो एक पीरियड था, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से आपको सेटबैक मिला और आप बॉलीवुड से थोड़े समय के लिए दूर हो गए। अब फिर से एक बार नई उड़ान भरने के लिए तैयार हैं नई फिल्म के साथ, और ये फिल्म कॉमेडी है, फटी पड़ी है यार, लेकिन इसमें आपने जो करेक्टर निभाया वो सारे व्यंग के बाण अपने ऊपर झेल लिए और दर्शकों को बहुत अच्छे तरीके से आनंदित भी किया और संदेश भी दिया है, तो ये नया रूप आपको अपने लिए कैसा लगता है और आने वाले समय में क्या करने जा रहे हैं आप? आने वाले वक्त में मेरे पास काफ़ी फिल्में हैं। अभी मेरे पास एक फिल्म है मोहब्बत है क्या चीज़ है, और एक फिल्म है दी बुक है, और डेफिनेटली मतलब फटी पड़ी यार के बाद जहाँ तक मुझे विश्वास है और मुझे भरोसा है, इस फिल्म के बाद मेरे पास बहुत सारी फिल्में होंगी और बहुत अच्छी फिल्में होंगी। तो मैं निश्चिंत हूँ, अपने वक्त के साथ जो होगा, भगवान ने जो चाहा है, अगर उन्होंने मुझे इतने लंबी जर्नी दिखाई है, मुझे एक्सीडेंट, मेरी माताजी गुजर गई, एक वो बहुत बड़ा सेटबैक था मेरी लाइफ में, इतना सब कुछ जब मैंने देखा है और उसके बावजूद भी आज मैं खड़ा हूँ और मुझे सपोर्ट है प्रेम भाई जैसे लोगों का, तो मुझे डेफिनेटली एक विश्वास है कि कहीं ना कहीं मेरे लिए जगह है इंडस्ट्री में और वो फटी बड़ी जगह मुझे दिला के रहेगी। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ, बीसीआर न्यूज़ के जो दर्शक आपको देख रहे हैं, हमारे पर्दे पर देख रहे हैं, बॉलीवुड के अपने प्रेमियों से, अपने चाहने वालों से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा आपको कि मैं अगर मैसेज देना चाहूँगा तो यही देना चाहूँगा कि आप ये फिल्म देखिए, ये फिल्म देख के आपको सारे मैसेजेस मिल जाएंगे। आपको हीरो बनना है, हीरोइन बनना है, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, फटी पड़ी यार उसका आंसर है, और फटी पड़ी यार से आप जान सकते हैं कि आप अगर बम्बई में आना चाहते हैं और बम्बई में हीरो हीरोइन बनना चाहते हैं तो किन बुराइयों से दूर रहना है और किन अच्छाइयों को पकड़ना है, वो सब कुछ इस फिल्म में दिखाया गया है। और ये फिल्म आप अगर देखेंगे तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा रास्ता मिलेगा, और ये फिल्म साबित करेगी इस बात को कि भाई जो आप चाहते हैं वो यही फिल्म आपको दिला सकती है। सो प्लीज वॉच दिस फिल्म। ये थे हमारे रियल लाइफ के हीरो कहें या फिल्म स्टार कहें या कहें एक ऐसे हिम्मत वाला इंसान जिसने अपनी हर मुसीबत को पीछे हटाकर नए सिरे से अपनी बॉलीवुड की लाइफ को शुरू किया है। इस संघर्ष में प्रेम जी ने जो दोस्ती का हाथ बढ़ाया वो भी काबिले तारीफ है। फिल्म लाइन में आप देखते हैं कि कई लोग मदद करते हैं और कई लोग मजाक उड़ाते हैं, तो ऐसी दोस्ती को हमारा सलाम है और हम चाहते हैं कि ये फिल्म कामयाबी के नए आयाम कायम करे और इस बुलंदी के रास्ते पर ये जोड़ी जो इंद्र कुमार जी और प्रेम जी की है वो हमेशा आगे बढ़ती रहे। इसी के साथ आप सभी से हम विदा चाहते हैं, और प्रेम जी जो
दोस्ती के प्रतीक रहे हैं हमारे डायरेक्टर राइटर, बिल्कुल डायरेक्टर राइटर प्रेम जी रहे हैं, साथ में हमारे मुख्य कलाकार हीरो कहे, रियल लाइफ के हीरो मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने हर मुसीबत को अपने से दूर करके और वास्तविकता में जिंदगी का सुख या सफर बॉलीवुड का एक नए सिरे से आरंभ किया है। हमारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बीसीआर न्यूज के लिए अजय शास्त्री के साथ वीके शर्मा, दिल्ली।